ब्लॉक कांग्रेस दोलन द्वारा मिनी सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। ये विरोध प्रदर्शन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संजीव ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस मौके पर शहरी कांग्रेस अध्यक्ष और सोशल मीडिया विशेष सेल के प्रभारी मुकेश शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और भाजपा की सरकार को घोटालों की सरकार की उपमा भी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ एसडीएम रोहित राठौर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोज घोटालों की खबरें उजागर हो रही हैं, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुख्यमंत्री घोटालों को निरंतर नहीं कर पा रहे हैं और वे सत्ता की बागडोर संभालने में असमर्थ हैं। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार में घोटालों का सिलसिला थम नहीं रहा, जिसके लिए केवल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जिम्मेवार हैं। इन घोटालों से तंग आकर ब्लॉक कांग्रेस ने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। पिछले दिनों हमारे 20 वीर सैनिक शहीद हुए हैं, हम उन्हें अपनी तरफ से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिसमें हमारे हिमाचल का भी एक सपूत शहीद हुआ है। हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग है कि उनके परिजनों को कम से कम 1 करोड़ रुपए की सहायता की जाए। साथ ही आज हमने एसडीएम सोलन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी मांग है कि पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग में जो घोटाला हुआ है, इसकी जांच सिटिंग जज से हो, ताकि सच जनता के सामने आए। और हमारी ये भी मांग है कि मुख्यमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, और यदि अगर ये रिजाइन नहीं करते हैं तो महामहिम गवर्नर जी से हमारी मांग है कि इन्हें बर्खास्त किया जाए।